हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मुगल्स एम्पायर। हमने डिस्कस किया था मुगल एम्पायर के बारे में, जहाँ हमने कुछ आपको हेडिंग डिस्कस किया, आपको डिस्कशन किया था मैं सक्सेशन के बारे में कि उत्तराधिकारी किस प्रकार होते हैं। साथ ही मैं आपको डिस्कस किया था मुगल का रिलेशन किस प्रकार रहा है और रूलर्स के साथ, जहाँ मैंने राजपूत वगैरह के बारे में डिस्कस किया, कुछ साउथ इंडिया के क्षेत्रों को भी मैंने डिस्कस किया। आगे मैंने आपका कुछ डिस्कस किया मनसबदार के बारे में, कौन है मनसबदार, हुआ मनसबदार कौन थे, आपका जागीरदार कौन था, और लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था जब्ती के बारे में। मैंने बताया था जब्ती किसे कहते हैं, अकबर ने इसे स्टार्ट किया था, किस प्रकार टोडरमल को उसने अपना एक तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, टैक्स वगैरह कैसे लगेंगी ये सब कुछ टोडरमल करते थे, और उन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड किया, लैंड का एक मेजरमेंट किया कि किस प्रकार लैंड को मेज़र करते हैं, उसके लिए उसने एक मेथड यूज़ किया, एक सिस्टम यूज़ किया, उसी को बोलते हैं जब्ती सिस्टम। आगे ले चलते हैं उसी के पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं कुछ जमींदार के बारे में। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था जागीरदार वगैरह, वैसा ही समझिए एक जमींदार भी एक पोस्ट होता था। क्लियर? जमींदार क्या होता था, जमीन का मालिक होता था, ये मालिक अपने अंडर में किसानों से अच्छा खासा खेती करवाता था और बदले में उससे पैसा लेता था, सॉरी अनाज लेता था, और यही अनाज टैक्स के रूप में वह एम्परर को देता था, चाहे वो अकबर हो या कोई भी हो। कुछ अपने पास रखते थे अपने शासन के लिए, कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए, और बाकी सब किसानों को था। सिंपली मैं कहूँ तो इस समय जमींदार बहुत बड़े कठोर नहीं हुआ करते थे, मतलब किसी प्रकार का कोई निगेटिव पॉइंट उनमें नहीं था। जो भी अनाज का प्रोडक्शन फार्मर्स करते थे उसको समझिए मिलजुल के खाते थे। जिस प्रकार फर्टाइल लैंड पे जो टैक्स था अकबर का, वो अकबर को दिया जाता था या औरंगजेब को दिया जाता था जमींदार को कह के, साथ ही फार्मर्स अपने लिए भी पर्याप्त इतना अनाज रख ले सकते थे कि पूरा सेक्शन वो आराम से निकाल सके। क्लियर? तो ये जमींदार का पोस्ट हो गया। जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग है पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की कुछ नीतियां। अकबर यही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत अच्छी अच्छी बात की गई है इसी में, बात की गई है आपके इबादत खाने की, इसी में बात की गई है फतेहपुर सीकरी की। क्लियर? आपको पता होना चाहिए आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर अकबर ने एक नगर बसाया था, उस नगर को उसने फतेहपुर सीकरी दिया, फतेहपुर सीकरी नाम दिया था। फतेहपुर सीकरी में उसने तमाम मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, बड़े बड़े अच्छे स्थापत्य बनाए थे, उन्हीं में एक स्थापत्य बनवाया था इबादत खाना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इबादत खाना क्या है सर, समझ में नहीं। इबादत खाने में क्या होता था, सभी धर्मों के लोग, ये 1565 की बात है, 1565 में इस्टेब्लिश किया था, सॉरी 75 की बात है, सॉरी 1575 में इस्टेब्लिश किया था इबादत खाना, और 1572 में इसने वो नगर बसाया था, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था। तो 75 में इसे इस्टेब्लिश किया, उसने ये सोच कर इसे इस्टेब्लिश किया था कि ये इबादत खाना एक प्रकार का घर है, इसमें सभी धर्म के लोग आएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी आएंगे, सभी इस घर में आएंगे, इस बिल्डिंग में आएंगे, और आपस में धर्म संबंधी बातें करेंगे कि मेरे धर्म में ये अच्छा, मेरे धर्म में ये अच्छा, मेरे धर्म में ये अच्छा। अकबर उनके इन बातों को सुनेगा, अकबर सुनेगा अच्छा हिंदू धर्म में ये अच्छा, बौद्ध धर्म में ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, तो उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकाल कर अकबर खुद भारत में एक नया धर्म चलाएगा। यही अकबर की सोच है, सोच तो बड़ी अच्छी थी, तो उसने इस्टेब्लिश भी कर लिया। इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आते थे, आपस में बातचीत करते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट अकबर नोट करवाता था। लेकिन उसने देखा कि कुछ सालों में वो जो इबादत खाना है वो युद्ध का मैदान बन गया। जैसे ब्राह्मण बोलता था भैया मेरे धर्म में ये अच्छा, इस्लाम कहता नहीं नहीं मेरे धर्म में ये ज़्यादा अच्छा, बौद्ध कहता नहीं चुप हो जा तुम दोनों में बेकार है, मेरे धर्म में ये ज़्यादा अच्छा। तो इस प्रकार सभी धर्मों में विवाद होने लगता, और जब विवाद होना शुरू हो जाता तो लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच लेते, और जब तलवारें खींच लेते तो पता चलता वो युद्ध का मैदान बन गया। अकबर ने कहा बाप रे, मैं तो बड़े अच्छे नीति के साथ इसको बनाया था, कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध का मैदान बन जाए। ये सोचकर अकबर ने इबादत खाने को 1582 यानी 7 साल में उसने इबादत खाने को बंद करा दिया। क्लियर? लेकिन इन 7 सालों में उससे धर्म संबंधी अच्छे अच्छे पॉइंट मिल गए थे, और इन्हीं पॉइंटों को लेकर 1582 में इस अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसे आप कहते हैं दीन ए इलाही, इसी को कुछ कहते हैं तौहीद ए इलाही। तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है इबादत खाना क्या था, तो ये याद रखिए सुलह क्या आपका कौन सा नया धर्म स्टार्ट किया, तो वो भी याद रखिए दीन ए इलाही, उसी को तौहीद ए इलाही बोलते हैं। किस ईयर में इस्टेब्लिश किया, कब ये धर्म चलाया, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि इस धर्म में कुल 12 सिद्धांत थे और इसे मानने वालों की संख्या 22 थी, जिसमें एकमात्र हिंदू था, और वो हिंदू था राजा बीरबल, जम्मू कश्मीर के वो राजा हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी राजा के साथ संबोधन किया जाता है। क्लियर?
इधर इस अकबर ने अपने सेनापति अबुल फजल से कहा था, अबुल फजल जी आप मेरा जीवनी लिखिएगा। क्लियर? तो अबुल फजल ने इसकी जीवनी लिखी है, जिस जीवनी को अकबरनामा कहते हैं। कुछ लोग इसे आईने अकबरी कहते हैं, तो याद रखिएगा आईने अकबरी अकबरनामा का एक चैप्टर है, उस वो है आईने अकबरी। और पूरी पुस्तक का नाम अकबरनामा है, जो अबुल फजल ने लिखा है पूरे अकबर की कहानी। उसी अकबर में कहानी में उसने दीन इलाही, इबादत खाना, आपका जामा मस्जिद, आपका लाल किला, सारे बारे में सब कुछ लिखने वाला वही अबुल फजल है, अकबर का सबसे बड़ा हिस्टोरियंस। अकबर का दरबार वैसे भी नवरत्नों से भरा पड़ा था, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल, वीरबल, फैजी, बलदेव दो प्लाजा, बड़े बड़े नाम रहे हैं, नवरत्न इसके दरबार में रहे हैं। और निश्चित तौर पे संगीत और स्थापत्य में जो योगदान इस अकबर का रहा है, वैसा योगदान और किसी का नहीं रहा। क्लियर? तो वही डिस्कस किया गया है। फिर एक क्वेश्चन और यहां बनता है कि जो इसने धर्म एस्टेब्लिश किया है दीन इलाही, ये किस पे बेस था? तो याद रखिएगा दीने इलाही या तौहीद इलाही, जो इसने धर्म एस्टेब्लिश किया ना, ये सुलह एक कुल की नीति पर था। सुलह एक कुल, इंग्लिश भी यही है, अब क्या किया जाए, मजबूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। सुलह कुल क्या है? तो सुलह कुल ये है सभी धर्मों का समान भाव, यानी जो सहूलियत और जो रियायतें हिंदू को मिलेगी, वही मुसलमान को, वही सिख को, वही बौद्ध को, वही जैन को, मतलब सबको बराबर रियायतें मिलेंगी। क्लियर? इस धर्म का यही बेस है, सुलह एक कुल। इसी को औरंगजेब ने बदल दिया था। जब औरंगजेब यहां राज किया तो उसने कहा सुलह एक कुल नहीं, सुलह इस्लाम इस्टेब्लिश करो, यानी भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बना दो यहां, और किसी धर्म को कोई सम्मान मत दो। क्लियर? इस्लामी राष्ट्र बनाऊंगा। उसने दर उल हर्ब को दर उर इस्लाम बना दिया। टफ वर्ड मिल गया सर, ये दरुल हर्ब क्या है, दरुल इस्लाम क्या है? तो दरुल हर्ब वही है जो सुलह ये कुल है, यानी सभी धर्मों का समान भाव। दरुल इस्लाम क्या है? मतलब उस पूरे देश में केवल एक ही धर्म होना चाहिए, और वो धर्म केवल इस्लाम होना चाहिए। आज बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिले हैं, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, कभी पॉलिसीज आप अकबर लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो याद रखिएगा आज आपने बात किया इबादत खाना, दीन इलाही धर्म, साथ ही आपने डिस्कस किया दरुल इस्लाम, दरुल हर्ब क्या है, आपने सुलह एक कुल और सुलह इस्लाम। इतने पॉइंट आज आपने डिस्कस किया, सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अकबर की जो नीति है वही औरंगजेब जहांगीर ने भी लागू, वो भी सुलह कुल पे था, शाहजहां भी वही था, सुलह कुल पे था, लेकिन ये औरंगजेब ये सेकुलर था, बहुत बड़ा सेकुलरिस्ट था, इसीलिए इसने और धर्मों का उतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान इस्लाम को दिया, क्योंकि वो भारत में केवल और केवल इस्लाम धर्म ही चाहता था। क्लियर? ये डिस्कस किया गया है आपके यही पॉलिसी में, अकबर की पॉलिसी में। इसी में अकबर ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, अधिकारी ध्यान में रखिएगा, इसने एक अधिकारी बनाया था दीवान, सबसे ऊपर तो सुल्तान ही होता था, सुल्तान सबसे ऊपर, उसके बाद उसका वकील होता था, वकीले दर, ये दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता था, जिसमें कभी अबुल फजल रहा है, कभी बीरबल रहा है, तो तीसरा सबसे बड़ा पद होता है दीवान का। दीवान कौन था? ये फाइनेंशियल एडवाइजर था, वित्तीय अधिकारी, सिंपल मैं कहूँ तो। क्लियर? फाइनेंशियल इससे मतलब था ये फाइनेंस के बारे में, कितना टैक्स होगा, कहाँ से कितना टैक्स लिया जाएगा, कैसे कलेक्ट होगा, कहाँ पे खर्च होगा, ये सब कुछ करने वाला दीवान है। आगे कोतवाल, एक और पोस्ट आता है, कोतवाल कौन है? तो ये पुलिस अधिकारी है, जैसे होता है ना चोरी चकारी या फिर और किसी प्रकार का ऐसा कार्य हो तो उनको पनिश देने के लिए, अब अकबर थोड़े ही जाएगा पनिश करने, तो अकबर क्या किया था, कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था, वो अधिकारी पनिश करते थे। लेकिन इतना याद रखना, अधिकारी पनिश जरूर करते थे, लेकिन अकबर ने ये कहा था अगर आपको उस अधिकारी से कोई परेशानी होगी तो डायरेक्ट मेरे पास कंप्लेन करिएगा, मैं उस अधिकारी के खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। इसलिए अधिकारी जरूर इसने बनाया, लेकिन सारे अधिकारी रूल और रेगुलेशन से चलते थे। क्लियर? तो यही कुछ डिस्कस किया गया था अकबर के पॉलिसी में, कुछ पद हैं और अकबर की कुछ पॉलिसी है, ध्यान में रखिएगा। उसके जो धर्म की पॉलिसी है वो सुलह कुल पे है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है वो भी सुलह कुल पर है। क्लियर? अब खुद ही देख लो अकबर क्यों मैं महान शासक कहता हूं, सोचो धर्म ही एक नया ला दिया, कल्चर को कितना ज्यादा प्रभावित किया होगा। कल्चर प्रभावित हुआ तो सोशल तो ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा, सामाजिक तो ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा, और टैक्स कुछ लगाया कुछ हटाया तो इकोनॉमिक प्रभावित हो गया, और पॉलिटिकल तो कुछ कहना ही नहीं, पॉलिटिकल इसके समान पूरे भारत में कोई राजा ही नहीं था, बात ही खत्म। क्लियर?
अच्छे पॉइंट जरूर हैं अकबर के व्यू में, कुछ जहांगीर के व्यू में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, कुछ शाहजहां और औरंगजेब के लिए तो बड़ा निगेटिव पॉइंट है, औरंगजेब की बड़ी निगेटिव पॉइंट रही है, और औरंगजेब के बाद कोई महान शासक ही नहीं आया इसलिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। क्लियर। लास्ट जो आपका हेडिंग है, लास्ट है 17th सेंचुरी एंड आफ्टर दैट मुगल्स एम्पायर, मतलब 17वीं सदी के बाद और मुगल्स एम्पायर के एंड में क्या हुआ। तो आपको पता होना चाहिए अकबर के ही समय एक ब्रिटिश गवर्नर विलियम फिच आया था कभी इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज से, लेकिन अकबर ने उस विलियम फिच को पहचान लिया था और उसे भारत में एंट्री तक नहीं करने दिया था, भारत से ही वापस भेज दिया उसने। लेकिन जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज आया। याद रखिए इन अंग्रेजों की इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में एक कंपनी स्टेब्लिश की थी जिन्हें EIC बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्व की ओर करने वाले व्यापार। कंपनी का नाम ही दे दिया था ईस्टर्न, उसका पर्पज था कि ईस्ट की तरफ हम व्यापार करेंगे। ब्रिटेन आपने देखा ही मैप में कहां बसा है। विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में और जहांगीर ने 1608 में हॉकिंस को कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। क्लियर। क्योंकि अकबर के जाने के बाद कहा जाता है राज्य को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया और अंग्रेज जो थे इतना लालच लेकर आए थे कि जहांगीर उनकी मंशाओं को समझ नहीं पाया और उन्हें कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। कंपनी बढ़ रही है, जहांगीर चलो तुम चले गए, शाहजहां या कोई बात नहीं, शाहजहां चला गया, औरंगजेब आ गया, औरंगजेब भी टाइट किया हुआ था अंग्रेजों को। औरंगजेब के समय एक भी अंग्रेज खुलकर औरंगजेब से नहीं बोल पाता था, औरंगजेब इतना कट्टर था, इतना क्रूर शासक रहा है। क्लियर। अरे उसके नाम से उसके बेटे कांपते थे, बहादुर शाह प्रथम हुआ, मुअज्जम हुआ, ये सब उसके नाम से कांपते थे। अगर कोई कह दे भैया औरंगजेब आपके पिताजी का चिट्ठी आया है तो ये दोनों की हालत खराब हो जाती थी, कुछ चिट्ठी नहीं पढ़ते थे, उनका सेनापति पढ़ता था चिट्ठी, औरंगजेब का वो रोल रहा है। तो औरंगजेब भी अंग्रेजों को बड़ा टाइट किए हुए था, एकदम बहुत टाइट किए हुए था, ना उनसे पूछे बिना ना कोई कंपनी खोल सकते थे, ना टैक्स घटा सकते थे, ना टैक्स रोक सकते थे, समय पर टैक्स पहुंचेगा चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो, औरंगजेब की यही नीति थी। औरंगजेब के जाने के बाद जो बेटे अपने पिता के नाम से कांपते हैं वो बेटे क्या मुगल्स एम्पायर को संभाल पाएंगे, यही दिक्कत हो गई। और इन अंग्रेजों ने मुगलिया एम्पायर के वीकनेस को जांच लिया और उसी हिसाब से खुद को पावरफुल बनाना शुरू कर दिए और अंतिम समय इन मुगलों को वो पेंशन भोगी बना देंगे और ब्रिटिश राज कायम हो जाएगा आपके इंडिया पे। ये है कहानी आपके मुगल्स एम्पायर की, ये है उनके कुछ एम्परर, ये है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये है अकबर और औरंगजेब की पॉलिसियां। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चंस बनता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकबर एंड औरंगजेब पॉलिसीज, इन दोनों के पॉलिसी में क्या डिफरेंस रहा है। तो पॉलिसी में बहुत डिफरेंस है निश्चित तौर पे बहुत, दो भी 49 इयर्स राज किया, आप भी 49 इयर्स राज किया, लेकिन दोनों की पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है भाई। वो दारुल हर्ब वाला औरंगजेब दारुल इस्लाम वाला, वो सुलह ए कुल वाला, तुम सुलह ए इस्लाम वाले, उसने हर धर्म को सम्मान दिया, तुमने केवल इस्लाम को सम्मान दिया, उसने मंदिर के साथ साथ मास्क भी बनवाया तो तुमने मास्क बनवाया और मंदिर को तोड़ फोड़ दिया, वो कल्चर का इतना बड़ा लवर और आप कल्चर के इतने बड़े फिनिश करता हो। तो ये बहुत डिफरेंस है दोनों की पॉलिसी में। तो कभी कभी डिफरेंस पूछता है तो यही 4-5 पॉइंट ध्यान में रखना, 4-5 पॉइंट लिख देंगे एक पैराग्राफ में बहुत है जी, कितने 100 वर्ड्स ज्यादा आएंगे, 100 वर्ड्स के लिख देंगे बहुत है पॉलिसी। 4 पॉइंट मैंने ही बता दिया, इन्हीं 4 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, 3 पैराग्राफ बन जाएगा, हो गया 100 वर्ड्स। क्लियर। तो आज आपका मुगलिया एम्पायर यानी मुगल्स एम्पायर खत्म हुआ। क्लियर। याद रखना अभी केवल पॉलिटिकल खत्म किया हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इकोनॉमिकल बातें करेंगे, कुछ सोशल बात करेंगे, अभी बहुत है मुगल्स एम्पायर, अभी पॉलिटिकल खत्म हुआ, अभी तो नेक्स्ट चैप्टर्स में मुगल्स एम्पायर के ही एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बात करनी है, तो आगे बड़े टॉपिक पढ़ने हैं आपको। क्लियर है।
आप यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा, यहाँ तक पूरा मुगल एम्पायर तैयार कर लीजिए। दूसरी बात, जब आप पॉलिटिकल तैयार हो जाते हैं मुगल्स एम्पायर को, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक आपका तैयार हो जाता है, शासक के बारे में जान लेते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये समझाना मुझे बड़ा आसान होगा, बड़े आसानी से समझ लेंगे अगर उन शासकों के बारे में जानेंगे। इसीलिए मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, सारे वीडियोज़ देख लीजिए। मैं खुद आपको बता चुका हूँ कि मैं ही आपका क्लास टीचर भी हूँ, इसीलिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन करिए। अगर आपका प्रॉब्लम कोई छोटा होता है तो मैं डायरेक्ट फ़ोन पे ही उसे सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपके प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं तो मैं जब क्लास में डिस्कस करूंगा उस समय मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कम से कम कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर, इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आया। तो कम से कम प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आया, तो अगर समझाने लगे तो फ़ोन पर ही समझा दूंगा। आप लोग प्रॉब्लम ही नहीं बताते, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, क्लियर। कुछ बच्चे होमवर्क्स अभी भी नहीं कर रहे हैं, भाई होमवर्क्स भेजिए मेरे पास। जैसा आपको पता है आज से अटेंडेंस लगेगा, अभी मैं आपके पास होमवर्क भेजूंगा और तुरंत रिप्लाई आना चाहिए उसी दिन, अगर नहीं आया तो आपका एब्सेंट लगा दूंगा, ठीक है। अगर तुरंत होमवर्क आया तो मैं प्रेजेंट लगाता चलूंगा भैया कि आपका होमवर्क आया, और जिसका होमवर्क नहीं आएगा जिस दिन कम्युनिकेट होगा क्लास में उस दिन उनकी अच्छे से उनसे बातचीत की जाएगी, क्यों नहीं आप होमवर्क कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी ये वो। अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो मैं गार्जियन से बात करूंगा डायरेक्ट कि भाई गार्जियन जी ये क्या ऐसी परेशानी हुई थी कि ये होमवर्क नहीं कर पाए थे। इसलिए आप एक्सक्यूज दे के बच नहीं सकते हैं, इसलिए अपना होमवर्क टाइम पर मुझे सेंड कीजिए जिससे मैं आपका प्रेजेंट लगा सकूँ, क्लियर वन। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा कुछ और पॉलिसी के बारे में, मुगल्स एम्पायर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आज आपका ये मुगलिया एम्पायर चैप्टर 4 फिनिश होता है, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 5 के बारे में। आपके पास मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कल तक मेरे पास उसका आंसर भेजिए, शाम तक ही भेज दीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग तक का मैं आपको समय देता हूँ। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ।